राजधानी रायपुर से लगभग 145 किलोमीटर दूर सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम बड़ोदा खुद्र में लगभग 14 किलोमीटर दूर जंगल में काले चट्टानों का पहाड़ है। इसी पहाड़ पर 250 फीट ऊंचाई पर जोगी गुफा मौजूद है। खासियत यह है कि साल भर यहाँ कोई नहीं आता। साल में सिर्फ नाग पंचमी पर पूजा के बाद दर्शन के लिए गुफा के द्वार खोले जाते हैं। सिद्ध बाबा आश्रम के महाराज कन्हैया दास के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों नागपंचमी के इन्हीं जटिल रास्तों से पैदल जोगी गुफा पहुंचते हैं। एक की वदंती है कि इन्हीं जोगी गुफा के अंदर नागमणि वह सांप का वंशज तक्षक सांप देखने को नागपंचमी के दिन मिलता है। इसी को देखने सैकड़ों की संख्या में दूर दूर से आए ग्रामीण वह दर्शनात्री मन में कई प्रश्न लिए जटिल गुफाओं में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं में सिद्ध बाबा का वास है। हजारों साल से इसके अंदर नागमणि है, किंतु वह उन्हीं लोगों को दिखता है जिनका मन स्वच्छ और निर्मल होता है। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको असली नागमणि दिखाने के लिए कि एकदम पुराने गुफा को, छत्तीसगढ़ की गुफा को दिखाने के लिए आज हम लोग जो है राजधानी रायपुर से लगभग 135 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। तो चलिए अब आपको सीधा जिस बाबा के साथ, जिस जोगी बाबा के साथ हम लोग जो है उस गुफे में जाने वाले हैं, उन बाबा के इस धाम में हम लोग पहुंच गए। आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है, घनी आबादी है जो है, और यहां पर खुशी का माहौल है। नागपंचमी का दिन है, चारों तरफ आप जहां देखेंगे सब जगह हरियाली ही हरियाली दिखेगी। प्रकृति के गोद में बाबा ने अपना आश्रम बनाया हुआ है और तमाम यहां पर उनके श्रद्धालु आप देख पा रहे हैं मौजूद हैं जो है। और सीधा आप देखिए कि चंदन लगाए हुए हैं और ताल मृदंगा लिए हुए हैं, तमाम सामग्री लिए हुए अब यहां से जो है सब कुछ लेकर के 20 किलोमीटर के आसपास, 15 से 20 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है कि वो गुफा है। इसी पहाड़ के सहारे पगडंडी होते हुए जो है हम लोग पहुंचेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है क्योंकि सबकी उत्सुकता है कि कहीं ना कहीं जो है उस गुफे को देखा जाए। सभी भाई यहाँ एक समाज बन करके सम्मिलित होकर के और यहाँ से जोगी गुफा सिद्धासन के लिए जाएंगे बाबा जी के सानिध्य में, और वहाँ पर मलिदा वगैरह भोग लगा करके और जैसे भी रुखी सुखी धूप दीप नैवेद्य दे करके अपने अपने इष्ट मित्रों को साल भर के लिए बाबा जी से महाप्रसादी लेंगे, जिससे हमको सांप बिच्छू या और अदर कोई भी जीव जंतु का भय नहीं रहता उससे, क्योंकि बाबा जी हमको महाप्रसादी देते हैं इस महापर्व को, उसे पूरे साल भर हम लोग को यहाँ पर कोई भी जीव का दंश का हमको असर नहीं प्राप्त होता। मैं पिछले करीब 10-12 साल से यहाँ आ रहा हूँ इस आश्रम में, और विशेष महापंचमी नागपंचमी को ही इस पर्व में यहाँ उपलब्धि ज़्यादा रहती है। महाशिवरात्रि को भी खुलता है पर्व, परंतु एक महा नागपंचमी का ज़्यादा वो है।
क्रॉस कराए हैं जो है, अभी ऐसा लग रहा है कि नदी के किनारे ही चल रहे हैं, कंटिन्यू चढ़ाई है जो है। इसके बाद बता रहे हैं कि अभी 300-400 मीटर और बचा हुआ है और पत्थर ही पत्थर है। तो जैसा कि आपको हमने लगातार कंटिन्यू लेके आया है कवर्धा ज़िला से, हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये सिद्ध बाबा का स्थल है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। बताइए आप डिटेल में जरा यहाँ के बारे में। अब इसके बारे में मैं क्या डिटेल बताऊँगा, ये आदि और अनंत है। जैसे कहते हैं सुनने में आया है, अब मैं तो छोटा सा अदना सा एक जीव हूँ जो यहाँ तक पहुँच पाया, मेरा कई जन्मों का सौभाग्य है। और कहते हैं माता अन्नपूर्णा जो है यहाँ वास करती हैं, बाबा शंकर जी यहाँ भिक्षु के रूप में रहते हैं और हर साल यहाँ नागपंचमी को महापर्व सभी भगत दूर दूर से आते हैं, इनके मन में एक श्रद्धा रहती है और बाबा जी के अधिपत्य में सभी भगत उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में आते हैं यहाँ सब दूर दूर से और स्थान सभी की मनोकामना। अब अंदर चलता हूँ, अब पहले कैमरा मैन से अनुरोध करूँगा दिखाइए, यही गुफा है जी। इसका कुछ नाम भी है गुफा का, सिद्ध जोगी गुफा कहते हैं। सिद्ध जोगी गुफा, सिद्ध जोगी गुफा, जोगी किसी का नाम इस वजह से पड़ा है, जैसे हमारे काशी जी आप जाएंगे बनारस में तो वहाँ बाबा का और माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। कहते हैं विश्व पर जब संकट आया, मानव अपर जाति पर जब संकट आया तो विभत्सक काल पड़ती थी पहले, तो उस टाइम भगवान शंकर जो है माता अन्नपूर्णा के पास भिक्षुक के रूप में वहाँ गए के पूरी मानव प्रजाति को बनाने बचाने के लिए, तो उसी स्वरूप का यहाँ जो अर्ध भाग है वहाँ से जो निकल कर के आए तो यहीं पर जोगी गुफा में वो विश्राम किए, ऐसा लोगों का कहना है। जोगी गुफा में विश्राम किए जी, शिव जी अंदर में सप्तपुर है, सात प्रकार की यहाँ मतलब खंड है नीचे पर्वत की श्रृंखला में, जैसे बारिश अपन होती है तो पूरी जल जो है अंदर जा करके कहीं एक तालाब बन करके समाहित होता है, अंदर में ब्रह्मदेव कुंड है और बाबा जी का साल भर में एक बार बस लोग यहाँ आते हैं जी, एक बार ये महापर्व है, वैसे महाशिवरात्रि में भी आते हैं और भगत महाशिवरात्रि को भी लगता है मेला जी, नागपंचमी के दिन विशेष पर्व मनाया जाता है। नागमढ़ी और
तक्षक सांप का जिक्र किया जा रहा है कि इसमें के अंदर है जो है, कुछ लोग गए थे अंदर मिला नहीं जिनको। देखिए होता क्या है, हर किसी को हर चीज नहीं उपलब्ध होती, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी भगवान, जब जाएंगे तभी दिखेगा। देखिए मेरा मन यदि स्वच्छ है तो मैं कहीं भी निर्मल मन से उनको देख सकता हूँ या समर्पित भाव से देख सकता हूँ। मेरी श्रद्धा यही तो मैं कवर्धा से अपना सभी काम धाम छोड़ करके, घर परिवार कुटुंब छोड़ करके और कई भी चीज़ों को मतलब अव्यवस्था में फैला करके यहाँ तक आया हूँ, तो उसी प्रकार सभी भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। और जहाँ तक दिखा आत्मा ज्ञान से तो मिला है, तभी तो आज लगभग 15 साल से आ रहा हूँ। तक्षक सांप या नागमणि तो देखिए अब प्राकृतिक जो है माता पार्वती का स्वरूप है और काल निरंजन हमारे भगवान भूत भवन हैं और श्रद्धा के तहत सभी जा रहे हैं। और आज तक तो अभी तक सुनने में नहीं आया है कि अंदर किसी का अहित हो या दुर्घटना घटी हो, है ना भाई। और सभी दूर दूर से आए रहते हैं तो जहाँ तक सभी की मन वांछित कामना यहाँ पूरी होती है, ऐसी मेरी भावना। एक सवाल और लूंगा जो है, कहते हैं कि अंदर में विभिन्न प्रकार के बाबा, नागा बाबा और क्या क्या आप लोग साधु संत हैं वहाँ जो जी ये प्रसाद अभी देख रहे हैं ना, ये सब भोग लगा भोग लगेगा इधर ऊपर में नीचे में और यहाँ इधर जहाँ जहाँ स्थान वहाँ है ऊपर में जमा हुआ। जो आप 7 लोग बता रहे हैं, 5-6 लोग जो है वो लोग भी भगवान स्वरूप है, वो लोग भी सबको दर्शन नहीं देते हैं सर। सीधी सी बात है भोलेनाथ, जहाँ जिसकी कामना रहेगी जो जिसको उनको देना है हरी इच्छा भावी बलवाना, अब वो अपने इच्छा से ही दर्शन देंगे। तो जैसा आपने देखा कि सब यहाँ पर मौजूद है, युवा मौजूद है, युवा अवस्था के लोग मौजूद है, पुराना है, वृद्ध अवस्था के लोग, सभी लोग मौजूद हैं। और हमारा जो प्रयास था कि हम लोग आपको दिखाएं कि आखिरकार इस गुफे में जो है, जोगी गुफा जिसका नाम है, उस गुफे में कुछ है भी या नहीं। जिस नागमणि की बात होती है, जिस तक्षक सांप की बात होती है कि वो यहाँ पर होगा, तक्षक सांप आप समझ रहे होंगे वो सांपों के वंशजों का सबसे, कहते हैं कि वही वंशज जो है तक्षक सांप बचा हुआ था, उसके बाद जो है ऋषि ने उनको कच्चा दूध जो है डाल करके यज्ञ को समाप्त कर दिया था। और तमाम आसपास के जितने गांव हैं इलाके से वहां पर लोग मौजूद होते हैं और यहां पर आते हैं साल में एक बार नागपंचमी के दिन, पंचमेवा तैयार हो रहा है, उसके बाद जो है यहाँ ये भी बताया गया कि साधु रहते हैं जो है और उनको प्रसाद यह जो है चढ़ाने के बाद जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको ये दिया जाता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पत्थर है, उनको भगवान मान करके उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, उसके बाद प्रसाद चढ़ेगा और ये लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हालांकि जिस चीज़ की खोज करने आए थे, जिस चीज़ की पड़ताल करने आए थे, लगातार सिर्फ कवर्धा जिले में ही नहीं, रायपुर राजधानी में भी इसकी खूब चर्चा हो रही थी, तो हमने कोशिश किया कि चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कुछ है भी है या नहीं है। ओरिजिनल में हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कैमरे में तो कुछ दिखा नहीं ऐसा, लेकिन लोगों का कहना है, ऐसा उनका मान्यता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर तक्षक सांप और नीलमणि है जो, लेकिन वो कुछ भाग्यशाली लोगों को ही दिखता है, हालांकि कैमरे पर कैद नहीं हो पाए, इस कारण हम इस पड़ताल की पुष्टि नहीं करते हैं। कैमरामैन शुभम के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।